अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। ये सिलसिला जारी है और आज जो मैच खेला जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जा रहा है और अब से कुछ देर पहले इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड पर सेट किया, 399 रन का और 400 रन का हदफ जो है वो दिया गया। ये अब मैच की सूरत हाल है, यानी कि अब जो बड़ी टीमें हैं वो निस्बतन जो कमज़ोर टीमें हैं उनके खिलाफ इसी तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। शानदार बल्लेबाजी की डेविड वार्नर ने, स्मिथ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और ख़ास तौर पर डाउन ऑर्डर के अंदर आकर ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज़ 100 रन करने का एजाज़ है वो हासिल किया। 40 गेंदों पर उन्होंने 100 रन की बड़ी शानदार इनिंग उन्होंने खेली है जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल मैच का सिलसिला जारी है, यकीनन हदफ बहुत बड़ा है और नेदरलैंड्स की टीम के लिए यकीनन मुश्किल होगा। और अभी जो खेल का आगाज़ हुआ दूसरी इनिंग्स का, तो दो ओवर में 18 रन जो है वो नेदरलैंड की टीम ने बना लिए थे। बहरहाल मैच के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, साथ ही जो आने वाले मैचेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और अब क्योंकि जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, नेट रन रेट किसका बेहतर है, टॉप फोर के अंदर कौन जगह बना सकता है, तो ये सिलसिला अब शुरू हो गया। और साथ ही हमारा हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ये सिलसिला शुरू हो गया कि अगर नेट रन रेट अच्छा होगा या अगर सामने वाली टीम अगर हार जाएगी या कमज़ोर टीम अगर अगला मैच नहीं जीतेगी तो फिर शायद हम जा सकेंगे। तो ये जो इफ्स एंड बट्स का जो सिलसिला है ये अब एक दफ़ा फिर शुरू हो गया। बहरहाल इन तमाम मामलों पर मौजूदात पर गुफ्तगू की जाएगी, साथ ही जो बजरिया सोशल मीडिया सवाल हम तक पहुँचे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और अब बड़ा खूबसूरत तज़िया और तबसरा करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे मैच के हवाले से। खास तौर पे जो अभी रीसेंट पास्ट में जो मैचेस हुए हैं इसके ऊपर आज बात करना ज़रूरी है। बात कर रहा हूँ जमील अहमद साहब की, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और भी माशाल्लाह बहुत कुछ है। आज हमने यहाँ मधु का रखा, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई पहले तो सर आज के मैच से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि पाकिस्तान की टीम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि उन्होंने जो खोई हुई फॉर्म थी डेविड वार्नर की माशाल्लाह से और दीगर खिलाड़ियों की जो बड़े अरसे से बैटिंग नहीं कर रहे थे वो आज भरपूर फॉर्म में नज़र आए और ये पता चला कि पिछले मैच से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और खोई हुई फॉर्म उन्होंने हासिल की है, उसका भी क्रेडिट मैं पाकिस्तानी टीम को देता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रा चाहूँगा इससे गुफ्तगू का। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए मैं आप ही के चैनल पर और मुख्तलिफ चैनल पर एक बात कहता रहा था, जब शुरू के दो मैच ऑस्ट्रेलिया खेला था ना जी तो उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी, लगता नहीं था ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हम खुद भी हैरान थे ना जी। लेकिन उसके बाद जो है मैं ये बात ज़रूर कहता रहा मुख्तलिफ उसके ऊपर कि ये वो टीम है जो स्ट्रांगली कम बैक करेगी और ये इसका रिकॉर्ड है, जब ये करेगी तो आप देखिएगा ये बिल्कुल मुख्तलिफ टीम होगी। और वो जो मौके जो पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हुआ तो हमने जिस तरह डेविड वार्नर का कैच छोड़ा है उस 10 रन के ऊपर हमने उसामा मीर ने कैच छोड़ा था तो उन्होंने 160 रन की इनिंग खेल दी थी और वो उनकी जो फॉर्म वापस आई है ना, मुझे लग रहा है पूरी टीम की फॉर्म वापस आ रही है। अगर आप देखेंगे ना तो उस वो जो उनकी इनिंग थी और आज उनकी जो इनिंग है जी, आप उसको अगर आप तसलसल के अंदर अगर आप देखें मैं आपको बताऊं उसके बाद जो दो मैच हुए ना उसके अंदर जेफ मार्श तो उनकी कारकर्दगी आज भी अच्छी नहीं है, इससे पिछले मैच में भी अच्छी नहीं थी। जी, मिचेल मार्श, जी मिचेल मार्श जी। अब देखें खास बात क्या है, खास बात यह है कि आपके जो है ना स्टीव जो आपके जो स्मिथ हैं वो फॉर्म में आ गए, लोबेशन जो है वो फॉर्म में आ गए। अच्छा सबसे बड़ी जो वो थी कि इनको जो सबसे ज्यादा उनका कीमती प्लेयर था मैक्सवेल जो कि नहीं चल रहा था इस पूरे उसके अंदर वर्ल्ड कप में जो, लेकिन चला तो आप देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने कि मतलब वर्ल्ड कप की तेज तरीन जो है ना सेंचुरी, बिल्कुल 44 गेंदों के ऊपर उसने 106 रन बनाए 9 चौके 8 छक्के तकरीबन कोई 84 रन के करीब तो उसने सिर्फ बाउंड्रीज से मतलब ये के रन बनाए। इस चीज से आप उसकी मतलब ये कि अंदाजा कर लें कि कितना मतलब उसने मतलब, और ये इस तरह का प्लेयर है कि ये किसी भी मैच में अगर ये खड़ा हो जाए तो ये मैच को बिल्कुल एक तरफा जो है ना मतलब ये के वो मतलब। अच्छा हमने इसको इससे पहले भी देखा है और जो तो हम इसको एज ए ऑलराउंडर ले रहे थे लेकिन ये बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी बैटिंग ही नहीं चल रही थी ना, लेकिन जब चली अब आपको मैं बता दूं दोनों ने आज आप लबोशन ने भी निस सेंचुरी की और स्मिथ ने भी निस सेंचुरी की, फिर ऊपर से वार्नर ने 100 कर दिए फिर सही है ना और मैक्सवेल ने 100 कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम यानी कि तकरीबन कोई 7 नंबर तक जो प्लेयर हैं
समझे ना, वो क्या कहते हैं कैमरॉन ग्रीन आज 7 नंबर के ऊपर बैटिंग करना है तो वो भी जबरदस्त किस्म का मतलब ऑलराउंडर है तो अच्छा। एक इनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है ना जॉश इंग्लिस जो जिनको ये इन्होंने क्या कहते हैं कैरी की जगह खिलाया, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। आपको बताऊं मैं आपको, ये तकरीबन मुझे उसी तरह की टीम जो है ना बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह साउथ अफ्रीका वो खेल रहा है। तो ये जो इनकी जो कारकर्दगी है और ये जो अब ये जाएंगे ना, ये अब ये पीछे पलट के नहीं देखेंगे, समझे ना। और ये इन्होंने अब जो आगे जाके मुझे लग रहा है ना, इंग्लैंड और पाकिस्तान के चांसेस अब बहुत कम रह गए और इंग्लैंड भी जो है ना अब किस हद तक वो करेगा कमबैक करेगा, क्योंकि उसको एक तो कमबैक करना, दूसरा रन रेट, क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपना रन रेट तो बहुत अब जो है ना मतलब वो कर लिया है, आज 399 रन करके तो उनका रन रेट और मतलब ये कि बेहतर हो गया। अच्छा इंडिया और न्यूजीलैंड वो तो ऑलरेडी मतलब अच्छा मतलब ये कि रन रेट क्या उनका तो बल्कि पॉइंट पे इतना चले जाएं तो टॉप पर वन टू है तो इसमें सारे मैचेस जीते। तो अब जो 6 टीमें टॉप की हम देख रहे थे ना उसमें से 4 टीमें तो मुझे ये नजर आ रही हैं बिल्कुल ठीक है। अब ये 2 पाकिस्तान और इंग्लैंड इसका थोड़ा सा अगर हम तजिया करें तो मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड जो है ना इंग्लैंड हो सकता है कि कम बैक करके और कुछ फाइट दे या दे, लेकिन पाकिस्तान की टीम का जो मोराल जिस अंदाज में गिरा हुआ है ना वो बहुत हैरान को मतलब जिस तरह मतलब ये कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है ना मैच हार रहे हैं। देखिए उस पिच के ऊपर जो है ना 282 रन का टारगेट जो है ना वो कोई इतना आसान नहीं था और बहुत सारी गेंदें ऐसी थी आपने भी खुद देखा, डबल पेस पिच थी और इतना आसान, लेकिन जब आप किसी भी ओवर में 1 या 2 गेंद उनको दे दें, यार क्या शानदार बैटिंग की है अफगानिस्तान ने, तारीफ करना पड़ती है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग उन्होंने, कोई गलत शॉट चलाया समझे ना। मतलब यार आप पहली विकेट की पार्टनरशिप 130 रन की, उसके बाद दूसरी विकेट उनकी 190 रन पे गिरी, तीसरी विकेट तो फिर हम सोचते रहे और वो मैच ले गए, मैच पूरा मतलब ले गए। तो अब देखें चारों बैट्समैन जो है मतलब अगर आप ऊपर से देखते हैं ना मतलब गुरबाज को देख लें आप, क्या इनिंग खेली उसने 65 रन की, वो आने नहीं दिया। इब्राहिम जदरान जो है ना यार वो 87 रन की उसने इनिंग खेली है, वो तो 100 कर देता, वो इतनी समझदारी वाली इनिंग है, लग नहीं रहा था कि ये वही जो है ना अफगानिस्तान है कि जो जिससे अभी हम लोग जो है ना 3 वनडे की मैचों की जो सीरीज खेल कर आए। उसके बाद जो है रहमत शाह को देखें, उसने भी 50 कर दिए समझे ना, और रही सही कसर उनके जो कप्तान है शाहिदी, उन्होंने आके 48 करके ना मतलब ये कि अच्छा किसी भी लम्हे जो है ना हमें मतलब वो नहीं लगा, कप्तानी पे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठे हैं। देखिए कप्तानी है ना, वाकई कप्तानी में बहुत ज्यादा हमें जो है ना मतलब कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि यार ये कोई इन्होंने कोई 46वां ओवर 5 ओवर में 30 रन चाहिए और 46वां ओवर आप करा रहे हैं उसामा मीर से जी। आप मुझे बताएं यार, जब आपके पास आपके रेगुलर बॉलर मतलब मौजूद हैं, अगर चले 5 की जगह वो 4 ओवर में कर लें, 3 ओवर में कर लें, बच जाए तो वैसे भी आप लाएंगे तो अपने बॉलर्स को ना कि अगर वो आके 1-2 विकेटें लेके और 2-3 रन का ओवर कर दें तो मैच 6 की जगह 7 का एवरेज हो जाए, थोड़ा जान आए मैच में। मतलब आप गिव अप तो नहीं करते ना, मुझे तो लगा जैसे कि मतलब ये अब उसामा मीर को उस स्टेज पर लाके, देखिए ना उसामा मीर ने जो उससे पहले बॉलिंग की थी वो इतनी अच्छी, जैसे आप बातें कर रहे थे लेकिन वो उतनी अच्छी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में नहीं कर सके 2 मैचों के अंदर। हमारा असल जो हथियार है ना शादाब का वो बॉलिंग है ना, 40 रन उन्होंने कर दिया आके। अब मैं देखिए मैं देख क्या रहा हूँ, मिसाल तो अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने आके 50 रन की खेली ना, 50 करी, उसके बाद उनको लंबी बारी नहीं करना चाहिए थी ये अपनी। अगर आपने ये सोच लिया कि यार मुझे टीम में रहने के लिए, तो फिर जो टीम के लिए टारगेट सेट करना है वो कौन करेगा, कौन करेगा। बाबर आजम ने अपने 74 रन कर दिए तो आप जाओ ना पूरी बारी करो यार, इतने ओवर मतलब बाकी थे वो कर दिए, वो तो नीचे से आके आपके शादाब ने 40 कर दिए, इफ्तिखार ने 40 कर दिए, तो आपने ये टोटल जो है ना मतलब रीजनेबल टोटल, हाँ वरना तो ये भी नहीं बनने थे 230-40 रन बनने, जो आप कहते हैं वो 230-40 रन बनने थे, लेकिन इन्होंने आके करने के बाद जिस अंदाज के अंदर फिर जो उन्होंने आके बैटिंग की है लग नहीं रही कि लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर पीछे चले जाए ना थोड़ा सा पीछे चले जाए, आप देखें 2 मैच तो आप इनसे जीते हैं नसीम शाह की मरहूने में, जी जी अरे हम बार बार उसका तस्करा करते हैं। अच्छा एक मैच जो है ना आपको जितवाया आसिफ अली ने वो जन्नत करीम को 3-4 छक्के जो है कवर में लगा के और मैच को, तो आप ऐसे मैचेस आपने खेले, तो इसलिए अच्छा एक सवाल और भी हो रहा था कि जनाब ये
जो है ना कि इसको अपसेट, मैंने कहा मैं बिल्कुल इसको अपसेट नहीं मानता, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा बिल्कुल ये अपसेट अपसेट नहीं नहीं है। है मैंने फिर उनको मिसालें दी इन मैच मैचों से की, पहले और इस मैंने चीज के कहा बारे में देखें कहा। अपसेट मैं इसको इसलिए नहीं कहूंगा कि इसी टीम ने वर्ल्ड जो चैंपियन को भी हराया है जी इंग्लैंड को, इंग्लैंड को तो जब इंग्लैंड को वो हरा कर आ रहा है और ये, तो फिर ये जो है ना इनके इरादे कुछ और है, कुछ और है आप बिल्कुल अपसेट वाली बात ना करें नहीं हो क्योंकि सकता। ये अपसेट नहीं हो नहीं सकता। अपसेट तो हम इसको कह सकते हैं ना कि जैसे कोई कमजोर टीम खेल रही हो और आपके जीतने के तकरीबन 80% चांसेस हो या 90%, और उसने आपको हरा दिया तो समझ में आएगा कि चलें अपसेट हो गया। ये तो मैच शुरू होने से पहले अक्सरियत की राय ये थी कि ये 50-50 मैच है, अफगानिस्तान भी जीत सकता और पाकिस्तान, बराबर बराबर का मुकाबला था और उन्होंने उसको वन साइडेड अपसेट में किया बताऊं है। आपको, देखिए जी अपसेट क्या हुआ है, आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, इसको अपसेट कहते नेदरलैंड हैं, ने, सॉरी जी 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 नेदरलैंड जी को जी हराया, इसको अपसेट कहते अपसेट हैं। कहते हैं। नेदरलैंड की जो जो टीम है उससे कोई एक्सपेक्ट, अब आप साउथ अफ्रीका को देखें, देखें जी साउथ अफ्रीका जो इस वर्ल्ड कप में खेला है, आप सोच सकते हैं कि वो नेदरलैंड जैसी टीम से हारेगा? श्रीलंका के खिलाफ 428 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399 रन, मतलब जी इन्होंने जो जी इसमें किए हैं, अच्छा नहीं सॉरी, इंग्लैंड के खिलाफ तीन इंग्लैंड सौ के खिलाफ निन्यानवे रन जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311 रन, और भी जो बांग्लादेश के खिलाफ 382 रन, जी एक मैच जो ये लूज करे हैं उस मैच के अंदर 207 रन बनाए हैं बिल्कुल टू सही फोर्टी फाइव के जवाब में, जो ये हारे हैं नेदरलैंड से। नेदरलैंड से आप इनकी कारकर्दगी देखें, और आप यह मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, जी मतलब 6-7 नंबर तक जो प्लेयर है ना सब रन कर रहे सब हैं। रन कर रहा है। मैं जल्दी भाई इस तरफ आता हूँ, मुनीर भाई लाइन पर इस बिल्कुल वक्त यार, हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी गुफ्तगू की जाए, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, मुनीर उल हक साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई फरमाइएगा, ये पाकिस्तान की टीम जो है ये तो एक ब्लेसिंग सी मालूम होती है दूसरी टीमों के लिए, किसी की अगर बल्लेबाज की कोई खोई हुई फॉर्म हो तो वो वापस लाने में मददगार साबित होती है, अगर कोई बल्लेबाज कोई टीम से ड्रॉप होने वाला हो तो उसके लिए ये खैर का काम करते हैं, तो ऐसी टीमें तो बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसे टूर्नामेंट में, तो कम ही ऐसी टीमें नज़र आई हैं। ज़रा फरमाइएगा आपकी राय क्या आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखकर तो मैं बेख्तियार मुँह से मेरा शुक्रिया पाकिस्तानी टीम के लिए निकला कि उन्होंने सारी ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी उसको एक भरपूर फॉर्म में वापस लिया है। जी फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया यासर। देखें हम तो मशहूर हैं कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म हो या जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो, जो बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो, उसको फॉर्म में हम ले आते हैं, इसके जी लिए हम मशहूर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ऐसे मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की भी तेज तरीन सेंचुरी है और वनडे इंटरनेशनल की तारीख की चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बना दी, आज डेविड वार्नर ने दूसरी सेंचुरी बना दी वर्ल्ड कप में, जी तो वो तो उन्होंने तो पेस पकड़ लिया है, और जब वो पेस पकड़ लेते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल मुश्किलात खड़ी करते हैं दूसरी टीमों के लिए। जी, जी पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान का जो है ना इस वक्त टोटल कलेप्स नजर आ रहा है, कप्तानी के तो इश्यूज है ही हैं, बिल्कुल सही जमील भाई को मैं सुन रहा था, तो सामा को 46वें ओवर में लाने का क्या मकसद था, फास्ट बॉलर जो आपके हैं वो उनके उनसे उस वक्त कवर करना चाहिए था। दूसरा खुद बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फोकस नहीं था, भाई अगर प्लेयर्स का फोकस गेंद पर नहीं था तो फिर किस जगह था भाई, और इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपको पता है कि ये शिकस्त जो है वो तो उन्होंने ऐसा ले लिया अफगानिस्तान ने जैसे कोई उन्होंने किसी मुल्क को फतह कर लिया है, जी, क्रिकेट मैच नहीं जीते क्या मतलब उनके यहाँ से। अभी मैं एक इंडियन सोशल मीडिया को सुन रहा था अभी आपके प्रोग्राम में ले थोड़ा पहले, जी, जी, तो उसमें खातून जो है वो कह रही थी हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी है क्योंकि उनके मुल्क से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, जी, हमारे जी, लोग गए वहाँ उनकी मईशत बेहतर की और अब जब उनका हो गया तो इतनी गलत गलत बातें हो रही हैं, क्या अफगानिस्तान ने हमारी मईशत बेहतर की है, हम उनको निकाल रहे हैं 40 साल तो हमने उनको रखा है, बिल्कुल, और जो खिलाड़ी ये बात कर रहे हैं जो टीम जीतने की बात कर रहे हैं उनके बेशतर खिलाड़ी तो हमारे मुल्क के हैं, उनका शनाख्ती कार्ड हमारे मुल्क का है, राशिद खान नबी कई प्लेयर ऐसे हैं जो यहाँ कराची से खेले हैं, क्लब क्रिकेट खेले हैं, डिपार्टमेंट से खेले हैं और यहाँ उनको सिखाया गया है, राशिद लतीफ, इंजमाम, कबीर खान, इन्होंने कोचिंग की है, तो मुझे तो जब से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है और इंडियन मीडिया उसको उछाल रहा है। जी। मैं एक और इंडियन सोशल मीडिया देख रहा था, जैसे ही मैच खत्म हुआ तो वो जो चार उसके
शुरका थे वो चारों खड़े हो गए, खड़े होकर तालियां बजाई हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान जीत गया, इंडिया नहीं जीता था, अफगानिस्तान के जीतने पर इंडिया की खुशी। तो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए देखें, जो पाकिस्तान का मसला है ना, वो मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त टोटल फेलियर है। कप्तानी तो बिल्कुल हो ही रही है खराब, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी बॉलिंग, आपके स्पिनर्स खास तौर से, आपके फास्ट बॉलर भी खास तौर से, कहीं कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। मैं हम किसकी बात करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुकाबला आपका उस टीम से हो रहा है जिसने पिछले 5 में से 4 मैचों में 300+ स्कोर किए हैं, वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर 428 रन किया है, उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हेनरिक क्लासन को देख लीजिए, क्या उनकी बैटिंग जारहना करते हैं। क्विंटन डिकॉक की 3 सेंचुरियां हो गई हैं इस वर्ल्ड कप में। डेविड मिलर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू है, जिस दिन वो अपने फॉर्म दिखा दी तो और मसला होगा। वेंडर डसन है उनके पास, रिजा हेंड्रिक्स है उनके पास, फिर बॉलिंग में देख लें उनके पास रबाडा है, एनगिडी है, स्पिन में उनके पास केशव महाराज है। तो आपकी टीम में तो ना स्पिनर्स हैं, ना फास्ट बॉलर्स हैं, ना बैट्समैन आपके चल रहे हैं। बाबर का प्रेशर नजर आ रहा है। रजाक को मैं सुन रहा था किसी जगह, तो वो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबर आए वो स्लो हो गए। अब उनका कहने का मकसद क्या था कि बाबर ने आके स्ट्राइक रेट स्लो करवा दिया उनका, या वो कप्तान खेल रहा था तो खुद कोई प्रेशर में आ गए। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि जब आपके कप्तान का फोकस नहीं होगा, खिलाड़ियों का फोकस नहीं होगा, तो इस तरह से तो फिर होगा। कल किस तरह से चौके हमारे खिलाड़ियों ने मिस किए हैं, गेंद कहीं आ रही है, शाहिन आफरीदी आगे निकल गए, गेंद उनके पीछे रह गई, अजीब सी सूरत हाल थी। एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, ओवर थ्रो हो रहा है, तो सारी चीजें ऐसा हो गई हैं कि एक पैनिक फैला हुआ है, और इस पैनिक से टीम कैसे निकलेगी ये बहुत वो है। 4 मैच है आपके पास, आप चारों जीतेंगे तो ही आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अब ये है कि जो कुछ हुआ उसको भूल कर ऑल आउट जाए, अपने पूरे पोटेंशियल से खेलें, हार जीत का ना सोचें, खौफ निकाल दें, पूरे जारहने अंदाज से जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। यही एक आप कर सकते हैं, जो आप अगर जिसे कहते हैं ना बिल्कुल अंधेरा है और दूर कहीं हल्की सी रोशनी, बहुत ही हल्की सी मामूली सी मध्यम रोशनी नजर आ रही है आपको, तो उस रोशनी को देखते हुए आपने चलना है। अगर आप क्लिक कर गए तो कर गए, वरना जो हो रहा है फिर वो इससे और बदतर ही होगा। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुमकिन कैसे होगा। मैं भी मुनीर भाई आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा जमील भाई से इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये मुमकिन कैसे होगा। जैसे भी मुनीर भाई ने निशानदेही की कि आप खुलकर क्रिकेट खेलें, ये तमाम चीज़ मैं हैरान होता हूँ। मैं क्विंटन डिकॉक को जब से डेब्यू हुआ है तब से उसको फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ उसको खेलते हुए, शुरू दिन से मैंने उसको इसी तरह देखा है, एग्रेसिव। अच्छा, पहले जब यंगस्टर था तो जाहिर है कि एक यंग प्लेयर होना, उसका एग्रेशन एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेच्योर होता चला गया और उसके बाद उसका एग्रेशन बढ़ता गया, कभी भी कम नहीं हुआ। आज उसकी आज बैटिंग की आप फॉर्म देख लें, या होम सीरीज खेल रहा हो या कहीं पे भी खेल रहा हो, चाहे T20 क्रिकेट खेले, चाहे वनडे खेले, चाहे टेस्ट खेले, वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्या है, एक यंगस्टर रन कर रहा है, कप्तान बैटिंग करने के लिए आता है, मैच ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उन्होंने जो है वो सरेंडर किया हुआ है और कोई इरादा नहीं है, अप्रोच वही वाली है 260 की, 265 रन की। वो हारने के बाद वही जुमला है, 15 से 20 रन कम बनाए, इस दफ़ा भी उन्होंने यही जुमला दोहराया। तो ये कैसे मुमकिन होगा और उनको ये कौन कॉन्फिडेंस देगा जब खिलाड़ी खुद ही अपने ऊपर वो नहीं है, टीम में जगह बनाने के लिए कप्तान भी उस दौड़ में शामिल है, तो ऐसी टीमें क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि सेमीफाइनल पहुँचें। देखें जी, बात यह है कि मेरे नज़दीक जो है ना पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुँचना ना मुआवजा होगा। ठीक है क्रिकेट तो अब इनको कश्तियां जला के खेलना होगी, क्योंकि इनके पास अब कोई गलती गुंजाइश ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जो आपने बात की है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पर जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो नजर आता है आपको, आपकी जो टीम है ना वहां पर ये नजर आ रहा है जो अभी आज जैसे आपने बात की ना। देखिये मैंने जो मैचेस देखे ना, अब हर लड़का इमामुल हक के रन हमें किस काम के, ये जो अब्दुल्ला शफीक के रन किस काम के, बाबर आजम के रन, देखिए जो रन आपकी टीम के काम ना आए ना वो किसी काम किसी काम के नहीं। जब आपने ये सोच लिया रना बॉल खेल, रना बॉल भी नहीं खेल ले यार, मतलब बॉल ज्यादा है, रन कम है, 80-85 के स्ट्राइक रेट। आप मुझे देखेंगे जो टीमें जो लोग खेल रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे यार, किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे, मतलब आज ही देख लेना मैक्सवेल की मिसाल है ना आपके आपके सामने। मैंने अभी आपको बताया कि 9 चौके और 8 छक्के उसने लगाए, तो आप मुझे
अंदाजा करें, हमारे पास आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आता है नीचे की जो है ना, जो हम मतलब ये क्या कहते हैं, कह सके कि नहीं है जनाब ये और ये, हमारी जो टीमें हैं आज हमें पता चल रहा है कि कितना फर्क नजर आ रहा है जी। क्योंकि होता क्या था, ऊपर से रन हो रहे थे जी। अब आपके हुआ क्या, फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म हुए, अनफिट भी हो गए, ऊपर से जब तेज रन नहीं हो रहे, अच्छा जब जो अच्छा आपके एक से लेके पांच नंबर तक एक ही तरह खेलते हैं, एक ही तरह खेलने वाले बैट्समैन जो आपने सिलेक्ट किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर्किल के अंदर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं कि आपने ऊंचा मारना है या कोई मतलब कोई वो, कोई वो नहीं है ना। अब जब सर्किल जब जब शुरू के 10 ओवर में दो प्लेयर बाहर होते हैं, वहां पर अगर आप 40-45 रन बनाएंगे तो फिर आप ये नहीं सोच सकते ना कि आप 350 रन करेंगे या 300 रन करेंगे। भाई आपको 350 रन करने करने जी, इस वर्ल्ड कप की जो सूरतहाल देखी गई है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको 350 देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बॉलिंग भी नहीं चल रही है, बिल्कुल ठीक, आपकी बैटिंग भी नहीं चल रही है, और फील्डिंग देखिए मैंने जो मैच में देखा है ना, मैंने कहा कुछ चीजों की निशानदेही जैसे मुनीर भाई ने की है ना, मैं आपको बताता हूँ मुझे फिटनेस लेवल भी जो है ना, मतलब ये कि खिलाड़ियों का वो नहीं लग रहा जो दूसरी टीमों का है कि जैनिंग। अब आप बताएं कितनी, देखिए बड़ी इनिंग आप जब खेलेंगे जब आपका फिटनेस लेवल होगा, फील्डिंग में आप रन चार चौके तो मैंने देखे जो आपने आपने मतलब जो, तो जब आपका फिटनेस लेवल नहीं होगा ना तो आप बड़ी इनिंग कभी नहीं खेल नहीं सकते, यही करेंगे 70 रन 50 रन 60 रन पे आके, और वो जब प्रेशर आता है कि यार वो अब जब मारने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, जब आने वाला जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लेता है, अब जब टाइम लेता है ना 282 रन अफगानिस्तान के खिलाफ आप बना के, और आप समझ रहे हैं जनाब कि अब उसी पिच के ऊपर उन्होंने, चले मैं मानता हूं कि बाद में थोड़ी सी पिच जो है ना मतलब बेहतर होगी जो भी, लेकिन ये तो खेल का हिस्सा है। आप तो आपकी बॉलिंग का यार एक जगह चैनल बॉलिंग किसी एक उस पे के लाइन और लेंथ से बॉलिंग जो होती है ना एक जगह के ऊपर कि उसको चांस कुछ नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं था। दूसरी बात ये है कि आप खुला छोड़ लो, आपने फील्डिंग खोली हुई है, अब आप अगर अब इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग करा रहा है उससे आप पूरे ओवर नहीं कर, दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है, और जहां पर जो फील्डर जहां होना चाहिए वहां जब उनको रन ही पांच चाहिए 4.5 चाहिए 6 चाहिए, तो आप अगर फील्डिंग खोल देंगे ना, और तो ये मैंने देखा है कि जो दूसरी टीम है ना वो आती है सर्किल में 6 लड़के रखती है, बिल्कुल, तो 6 लड़के रखने से जब वो ऊपर से मारना पड़ेगा आपको जी। मैच तो आप वैसे आपके हाथ से जा रहा है, तो आप चांस तो लो ना कि ऊपर से मारे, शायद कोई गेंद ऐसी हो कि यार कोई टॉप एज लगे या कोई चांस ऐसा मिले कि चलो आपको कोई विकेट गिरे तो फिर कोई दूसरा नया बैट्समैन हो, तो आपने फील्डिंग खोल दी बड़े सुकून से, सिंगल डबल सिंगल, प्रेशर किधर आया उनके ऊपर, अब आप इनिंग उठा के देखें अफगानिस्तान की टीम की, आप तो खामियां ही खामियां है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं किस किस की निशानदेही करूं, आपने तब तकरीबन निशानदेही कर दी मामलात की, सबसे बड़ा फिटनेस का भाई यहाँ पर तो मसला ये है कि जब हम देखते हैं कि पूरी टीमों को आप देख लें, जो भी बल्लेबाज जैसे ही सेट होता है उसके बाद पता होता है कि ये मैच को लेके जाएगा, ये कम से कम अपने 100 लगाएगा, और ऐसा एक जगह आती है जहां से अब स्कोर आपने बनाना है ताकि बोर्ड के ऊपर स्कोर लगे, आपका बैट्समैन जैसे ही सेट होता है वही उसकी आखिरी बॉल हो जाती है, वो कोई गलत शॉट खेलता है और आउट हो जाता है, ये तो एक बहुत सीरियस ब्लंडर है, कोई मिस्टेक भी नहीं कह सकता मैं इसको जी। देखें आपके जितने भी बैट, अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपको आपको नजर आया यार इमाम उल हक रन कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक रन कर रहा है, सही है ना जी, लेकिन वो रन जो है ना टीम के काम काम नहीं, असल जो है ना रन ये होते हैं के 44 गेंदों पे 106 सारी नहीं, जो एक तरफ जो इसने आखिर में आके खेला बोर्ड पे स्कोर लगा। अब आप देखे ना वार्नर खेल रहा है ना, टीम का स्कोर कितना हुआ है 399। इस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं क्या यार, हम सोच भी नहीं रहे इस तरह की क्रिकेट, हम तो आते हैं अल्लाह माफ करे कि वो अगर एक दो एक आध विकेट हमारी गिर जाए ना तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब अगर वो इनिंग वो बिल्ड भी करते हैं ना उसके बाद आके वो बराबर कर देते हैं। नीचे के आज जो है आज के मैच में आखिरी के 10 ओवर में 131 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, इससे पिछले मैच में चले जाए साउथ अफ्रीका ने 144 रन बनाए, कल मैच था साउथ अफ्रीका का 144 रन 10 ओवर में, उससे पिछले मैच में 142 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए 10 ओवर में, हमारी टीम जो है 25 ओवर में नहीं बनाती, तो आपके पास आपके जो आपने टीम जो है ना वही टीम, आप उन्हीं लड़कों को आप जो है ना T20 खिलाते हैं यार, हारिस जो है मान लो कि 10 ओवर या टेस्ट के आपने टेस्ट खिला दिया उसको, सब मजाक उड़ा रहे थे उठते, वो उसको रखें आप T20 के अंदर, शादाब को रखें T20 के अंदर, जो T20 के प्लेयर है उनको T20 में रखें यार, आपको लोग बोल बोल के वो हो गए कि यार क्या कहते हैं आप इमाद वसीम को लेके जाएं, आप सरफराज को लेके जाएं, आप जिसको जिसको 15 में करना है आपने
उसको जमान खान को वो आपने ट्रेनिंग रिजर्व में कर लिया, करना था आपने बाहर बैठा दिया। मतलब आपके पास ये नहीं है पांच छह सात फास्ट बॉलर आपके पास अच्छे हैं, अब आपको ये वक्त आ गया है भाईजान के तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग अलग आपको बनाना पड़ेंगे और सब ये लड़के जो आपके बैठे हुए ना बाहर, इन सब लड़कों को आपको मौके देना होंगे और देखना होगा कि कहां हमें जो है ना शाहिन शाह आफरीदी को रेस्ट कराना है, कहां नसीम शाह को, हमने रेस्ट नहीं कराया, ढाई महीने हम जो है ना श्रीलंका के अंदर गुजार के आ गए, टेस्ट सीरीज पूरी खेली, तीन जो है ना वनडे की सीरीज वहां खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर आप जो है ना लंका प्रीमियर लीग में लड़के हमारे खेले, उसके बाद एशिया कप के मैचेस नौ मैचेस वहां खेले आपने, तो हम लोग जो है ना हम ढाई महीने वहां गुजार के और जी और आ गए और हमने अपने हार के खौफ से वहां भी अपनी पूरी टीम जो है ना, आपने नेपाल के खिलाफ पूरी टीम खिलाई थी भाई। यही एक मसला है कि आप चांस भी नहीं ले सकते। अच्छा मुनीर भाई, यही सवाल आपसे होगा, ये सब करेगा कौन, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि आप चांस नहीं ले सकते, ना आपने कोई रोटेशन पॉलिसी बनाई, ना आपने खिलाड़ियों को शफल किया, ना किसी को रेस्ट दिया, और फिर मजे की बात यह है कि ये वाहिद ऐसी टीम है या ऐसा क्रिकेटिंग बोर्ड है जिसमें पहले तो सरबरा का ही नहीं पता, और अगर चलें उसका गलती से पता आपको लग भी जाएगा तो एक लड़का कोलंबो में मैच खेलता है, अगले दिन वो कनाडा में पहुंचा हुआ होता है, वहां जाकर मैच खेल रहा होता है, ये सूरत हाल चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया इसको पॉइंट आउट कर रहा है कि इन्होंने अपने जो टैलेंट है उसको कैसे ज़ाया किया है, इसकी कौन अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी, कौन इसके लिए अकाउंट फॉर है, सवाल ये है, ज़रा फरमाइएगा। आज पीसीबी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज में देख रहा था कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, उमर गुल, इनको बुलाएंगे और इनसे राय लेंगे कि क्या वजह है कि हमारे पास नहीं है और बैकअप किस तरह तैयार करेंगे। ये अब एहसास हो रहा है इनको कि जब चिड़िया चढ़ गई खेत। अब सवाल ये कि पाकिस्तान का मुनीर भाई एक कतर कलामी की माजरा चाहूंगा, सिर्फ एक जुमला इसमें शामिल करना चाहूंगा, सकलैन मुश्ताक ये कह सकेंगे जका अशरफ को कि शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसको टीम में शामिल ना करें, ये इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, ये सोशल दामाद वाली जो चीजें हैं वहां पर तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सकलैन को बोल्ड स्टेप लेना होगा और वो कहना होगा कि जी जब तक इनकी फिट, जब तक इनके फॉर्म बाहर नहीं होता आप इनको ना खिलाएं, ये तो उनको इतना करेज तो उनमें होना चाहिए। इसी तरह शाहिद आफरीदी भी अगर देखते हैं कि कुछ मुश्किल है शाहिन आफरीदी के साथ, तो वो भी उनको भी करेज इतना होना चाहिए कि वो करें। बात यहाँ पर ये है कि आपके पास अभी फास्ट बॉलर की बात हो रही थी ना, अब तीन आपके साथ अनलकीली तीन चार आपके फास्ट बॉलर इंजर्ड है, नसीम शाह, एहसानुल्ला, हसनैन, ये सब अभी इंजर्ड हैं, फिर रिहैब होगा इनका तो टाइम लगेगा। जमान खान आपके पास अवेलेबल है जो फिट भी हैं, सब कुछ हैं, बाकी आपको यही एक दो बॉलर आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मसला पाकिस्तान का एक और बड़ा ये है कि वर्ल्ड कप खत्म होते ही पाकिस्तान को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जाके टेस्ट सीरीज आपने खेली है वो कितनी मुश्किल होगी, इतनी डिप्रेस सिचुएशन यहाँ है, कप्तानी का अलग इशू हो जाएगा, फास्ट बॉलर्स का अलग इशू हो जाएगा, स्पिनर्स किसको लेके जाएंगे आप, वही नुमान अली आपके पास टेस्ट में रह जाते हैं, यासिर शाह तो ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे चलते नहीं है, वो अभी है भी नहीं टीम के साथ, तो परेशानियां बहुत सारी हैं। लेकिन हम अगर इस वर्ल्ड कप तक अभी रह के बात करें ना, तो इस वर्ल्ड कप में आप समझ लें कि एक शख्स जो पानी में डूब रहा है उसके चेहरे तक, उसके होंठों तक तो पानी आ गया है, नाक तक पहुंचने देने वाली पोजीशन है इनकी। अगला मैच बता देगा कि ये पूरा सर पानी गुजर गया है सर से, या कुछ इम्कान है कि ये तैर के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मुकाबला भी एक ऐसी टीम से है जो बिल्कुल खुल के खेल रही है, पहले मैच से जो वर्ल्ड कप का पहला मैच था उससे लेकर आज तक ये खुल के खेलते हैं, इनको कोई ये फिक्र नहीं होती कि हमें हमारी जगह होगी टीम में या नहीं होगी, हर प्लेयर अपने हिसाब से खेल रहे हैं और अभी तक ये अब कामयाब जा रहे हैं, सिवा एक सेटबैक के जो नेदरलैंड के साथ इनका हुआ है। तो जब साउथ अफ्रीका की टीम इतनी मजबूत है और साउथ अफ्रीका को हम इतनी प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे थे यहाँ इस वर्ल्ड कप में, टॉप फोर में लोग उसके शुरू में नहीं रख रहे थे, लेकिन धुआंधार एंट्री जो उन्होंने दी है उसके बाद तो अब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो लगता है कि ये तो पहुंच ही गए। आज सेमीफाइनल, आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी मैंने आपसे कहा कि वो आ गए हैं उस ट्रैक पे कि ये सेमीफाइनल में चढ़ सकते हैं,
तो ये चार टीमें हो जाएंगी तो फिर तो आपका किस्सा खत्म। इंग्लैंड की टीम तो परफॉर्मेंस दे नहीं रही है, इंग्लैंड को भी इसी तरह ऑल आउट जाना होगा जिस तरह पाकिस्तान की टीम को जाना है। तो अगर पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें तो कहने के लिए कुछ है नहीं सिवाय इसके कि पाकिस्तानी टीम को डिफरेंट ऐसा कर दे जो अनप्रेडिक्टेबल का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है या साउथ अफ्रीका पर चोकर का टैग लगा हुआ है, इस तरह का कुछ हो जाए। एक मैच अगर आप अच्छे मार्जिन से जीत लेते हैं तो फिर बांग्लादेश है और फिर थोड़ा सा कुछ हमें कुछ उम्मीद नजर आएगी। लेकिन ओपनर जो है आपके, क्या फखर जमान आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वसीम जूनियर को खिलाने की इनमें हिम्मत है, करेज है? वसीम जूनियर को क्यों लेके गए हो भाई? अगर आपको इन्हीं तीनों को खिलाना है तो वसीम जूनियर बेचारा चेहरा देखो उसका, जो फील्डिंग पे आता है फील्डिंग करके चला जाता है। मैं जमील भाई से पूछ लूं जरा, जमील भाई के पास शायद इसका जवाब हो। वसीम जूनियर का जवाब शायद जमील भाई के पास हो। वसीम जूनियर को क्या खिलाने की हिम्मत कर सकते हैं आपसे ज्यादा बेहतर? भाई देखिए, मैं तो पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में बोला था कि वसीम जूनियर को जब जब आपको उसको खिलाना नहीं तो लेके क्यों गए? लेके क्यों गए? असल में मसला ये है कि देखें, शाहीन शाह अफरीदी है ना, उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है वसीम जूनियर, मतलब मुमकिन नहीं हो सकता ना। तो आप क्या कहेंगे बाद में, क्या उसको लेकर आओ यार, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आओ जी। यहाँ पर तगड़ा फास्ट बॉलर हो ना, मतलब ये कि चलें अभी तो जैसे भाईयान ने बता दिया, एहसानुल्लाह हो गया, हसनैन हो गया या नसीम शाह, ये हमारे मतलब वो है ना। लेकिन जो इसके अलावा जो हमारे मतलब ये बॉलर हैं, मतलब जमान खान को इन्होंने जो है क्या कहते हैं ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा है, अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं, मतलब ये वो ट्राई करते हैं, मतलब आप पीएसएल कराते हैं। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ इनको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, ये जितने भी वो हैं, आप मुझे बताएं हारिस रऊफ जो है वो डोमेस्टिक खेलते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं खेलते? एक्सपोजर ही नहीं है उसको तो, सिर्फ पीएसएल खेलेंगे, पीएसएल खेलेंगे या जो है ये दुनिया की लीग खेलेंगे या फिर जो है ना आके। तो यार आप भेजो ना उनको, वो जो डोमेस्टिक होता है उसके, हमारे शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं क्या डोमेस्टिक? नहीं, कोई भी। आप हमारे ये जो जब ये जाके डोमेस्टिक खेलेंगे तो ये जो छह छह सेंचुरियां एक एक उसमें बन रही हैं, फिर ये नहीं बनेंगी ना जब इस तरह के बॉलर आके वहां नसीम शाह ये सारे के ना पाबंद करें ना, दो से ज्यादा लीग के लिए परमिशन ना दें और पाबंद करें कि जब हमारी डोमेस्टिक होगी तो कोई लीग नहीं होगी, हमारे सब लड़कों को जो है ना डोमेस्टिक के अंदर जो है ना वो हिस्सा लेना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी जो मैचेस हुए हैं, जो अभी अभी फाइनल चल रहा है ट्रॉफी का, आप उठाइएगा कितनी आपको वो मिलेंगे। वजह क्या है कि ये जो टॉप के जो 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 प्लेयर है ना हमारे, ये डोमेस्टिक की तरफ देखिए, ये जो हसन अली है ना, इसने कमबैक डोमेस्टिक से किया था, शायद आपको याद होगा, फाइनल सौ कर दिया था फाइनल में, उसके बाद आया, उसके बाद उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। तो हम क्या अभी ये हसन अली इस दफे भी नहीं खेलते डोमेस्टिक? बात यह है कि ये जो हमारा जो बार बार जो ये जो हमारे जो चेंजेस होती है ना चेयरमैन, और ये कोई भी आए कोई भी जाए, चेयरमैन को 3 साल पूरे करना चाहिए जो पॉलिसीज उसकी हैं, ताकि प्लेयर भी खौफ ज्यादा रहे कि भाई अब उनको ये है कि भाई अब पता नहीं ये 4 महीने के 6 महीने के लिए इस चीज से क्या फैसला लेना है, उसने क्या टीम के अंदर किसी को, मैं मतलब आपको मैंने देखा है एजाज भट्ट साहब को, मरहूम जो एजाज भट्ट थे, वो किसी को लेफ्ट नहीं कर, जो उनको करना होता था ना वो करते थे वो, मतलब मैंने उनके जो फैसले है ना, मतलब देखिए पीसीबी के जो चेयरमैन साहब है ना उनको सख्त फैसले करना होंगे, और अगर सख्त फैसले हमने नहीं किए, ये तो जो अभी मुनीर भाई ने बताया ये तो है ही, जो हमारा टूर है इसके बाद जो है ना हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा हमेशा से सख्त टूर होता है पता है आपको, नया कप्तान जा रहा है सुना है? हाँ, मेरा ख्याल है कि शायद सरफराज के चांस लग रहे हैं मुझे इस दफा, जो बातें चल रही हैं और जो हम सोशल मीडिया और जो कुछ हमारी जो सोर्सेज हैं उससे पता चल रहा है कि शायद कप्तान जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, दूसरा जो अहम तरीन जो आपका वो है ना, वो है आपका वर्ल्ड कप जी, जो इसके अगले साल एक T20 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है जी। उसके लिए जो है ना अब मेरा थोड़ा सा मुनीर भाई थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, तो मेरा थोड़ा सा जो है ना एक वो है कि आप ये बताएं, अगर बाबर आजम और रिजवान फिर ऊपर आ जाएंगे T20 के वर्ल्ड कप में, अब आपको टीम बनानी है ना जी, साइम अय्यूब प्राइम फॉर्म में बेहतरीन, उसको लेकर आए आप ऊपर, ठीक है, मेरी वो बिल्कुल सही, और सही। आप जो है ना क्या कहते फखर जमान को लेकर आए, इन दोनों को लेकर आए, 3 नंबर पे बाबर खेलें, 4 जो आप खेल लें जी, ठीक है ना, बिल्कुल सही। आप ये दोनों अपना चेंज करें और इनको लेकर आए, इनको T20 के वर्ल्ड, आपको ये चेंज इस तरह की तब्दीलियां करना पड़ेगी, एहसानुल्लाह को लाना पड़ेगा, हसनैन को लाना पड़ेगा, नसीम शाह को लाना पड़ेगा,
छोड़े ये कोई वो नहीं कि वो चार ओवर, अगर हारिस रऊफ तो चार ओवर भी नहीं तो बाहर करें यार, बाहर करें बिल्कुल सही। जो लड़का अगर परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बाहर करें भाई, इतने दिन से हम लेके उसको चल रहे हैं, वसीम जूनियर को उसको छोड़े, जमान खान को लेकर आए, मतलब आपको टीम नए लड़के डालना पड़ेंगे यार। वो जो साउथ अफ्रीका ने वो लड़का डाला है जेनसन जो है, वो क्या लाउंडर डाला है यार, उसने रन भी कर रहा है आउट भी कर रहा है, कमाल छक्के वो लगा रहा है और उसके अलावा गेंद भी कर रहा है, क्या शानदार क्रिकेटर है। बहरहाल जी अब ऐसा है कि वक्त हमारे पास जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मुनीर भाई लाइन पर हमारे साथ हैं। जी जी मैं मुनीर भाई, आखिरी जुमला मैं आपसे चाहूंगा, अभी जमील भाई ने निशानदेही तो कर दी है लेकिन अब अलमिया ये है कि इस वक्त वर्ल्ड कप जो है वो जारी है और हमें आगे की बात जो है वो ना चाहते हुए करनी पड़ती है और मुस्तकबिल के हवाले से जो हम पेशगोईयां कर रहे हैं और कप्तान भी अब मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ना हो। अब ये है कि हम वर्ल्ड कप की, इस वक्त वर्ल्ड कप आधा भी तकरीबन नहीं हुआ है और हम ये बातें कर रहे हैं, जरा फरमाइएगा आप क्या कहेंगे। देखिए कप्तान की तब्दीली की तो अभी सिर्फ अफवाहें हैं जी जी, कि सरफराज का बनना इतना आसान नहीं होगा यकीनन ऐसा ही मैनेजमेंट के लिए भी, और शान मसूद भी एक दावेदार हैं वो भी कप्तान की सूरत में, लेकिन अगर सरफराज कप्तान बन जाते हैं तो क्या रिजवान इन कंपनी उनको चलने देगी, क्या बाबर आजम का उनको सपोर्ट रहेगा, तो वो मसाइल तो वहाँ पे भी रहेंगे थोड़े से यासर जी जी, तो वो तो अभी बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन चार मैचेस पर, परसों देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्या करती है, अगर परसों हार गई तो फिर तो जाहिर है वर्ल्ड कप हमारा फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही। तो परसों के मैच तक इंतजार करते हैं फिर इंशाल्लाह देखते हैं। चल ये अच्छी बात आपने कही कि परसों के मैच के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए तो कम से कम क्लियर हो जाएंगी और बहुत मुमकिन है कि हमें फिर आगे बैठकर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि रन रेट किसका क्या होगा, ये होगा तो यकीनी तौर पर जो है वो साइडलाइन हो सकता है। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और यही कुछ वो बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और देखने वाले चाहते भी यही हैं कि खुलकर बात की जाए, कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, सही खबर आप तक पहुँचाई जाए और ये इस वक्त टीम की सूरत हाल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है ऑफ द फील्ड लेकिन उसका तस्करा करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। बहरहाल फिर वही तारीख दोहराई जाएगी कि जब वर्ल्ड कप हार कर आप वापस आएंगे फिर कमेटियां बनेंगी, उसके बाद फिर सामने आएगा कि फलाना की फिटनेस नहीं थी, उसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ये वो सारी चीज़ें जो एक अरसा दराज से चली आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम के वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।